तो आज की हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की फॉर्मेटिंग वाली क्लास में हम बात करेंगे पेज सेटिंग की। हमने अभी तक फॉर्मेटिंग को अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो पेज सेटिंग का है, किस तरह से हम पेजेस को सेट करते हैं। तो एक छोटा सा डेटा हम ले लेते हैं ताकि आपकी एग्जाम्पल को मैं बता सकूं। प्रिंट आउट में, अब बोलेंगे सर हमारे ऑफिस में तो प्रिंट आउट का ज्यादा काम होता नहीं, तो प्रिंट आउट से मतलब ये है कि अगर आप इसको फाइल को अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो वहां भी पेज सेटिंग का काम किया जाता है। तो पेज सेटिंग आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्रिंट ले रहे हैं या पीडीएफ में ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपका कॉलम जो है कहीं भी आपके जो डेटा है उस डेटा को ट्रिम ना करता हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए सीआरएम में एम नहीं दिख रहा है, अगर मैं इसको प्रिंट में ले जाता हूँ तो मुझे वहां भी सीआरएम दिखेगा, सीआरएम नहीं दिखेगा, या पीडीएफ में ले जाता हूँ वहां भी सेम दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, दो चीजें हैं। एक तो है कि आपको सेलेक्ट करके ऑटो फिट कर लीजिए, तो ऑटो फिट करने से थोड़ा सा कर्सर बड़ा हो जाए। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन देता हूं आप देखिए। तो हम डेटा की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ये हमारा एक छोटा सा डेटा है और इस डेटा के ऊपर मुझे पेज सेटिंग आपको बताऊंगा, मुझे इसको प्रिंट आउट लेने हैं, मुझे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने हैं, ये चीजें मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो यहाँ आप देखिए क्या है कि हमारा जो ये है प्रोडक्ट है, इसका देखिए सीआरएम जो है छुपा हुआ है या और भी बहुत सारी चीज छुपा हुआ है। अगर मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू में ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें हमारा वर्ड नहीं दिख रहा है। अब इसको पीडीएफ में भी ले जाएंगे तो पीडीएफ में भी आपका सेम ही होगा। सो मैं चाहता हूं कि आप जब भी प्रिंट आउट ले पीडीएफ में कन्वर्ट करें तो पहले उसको अच्छे तरीके से विजुलाइज कर लें। तो विजुलाइज करने के लिए हमें पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके इसके ऊपर डबल क्लिक करना होगा। तो डबल क्लिक करने से क्या होगा कि आपका थोड़ा सा कॉलम बढ़ जाएगा, मतलब आपके डेटा की साइज बढ़ जाएगी। आप डेटा की साइज को नहीं बढ़ाना चाहते, विड्थ को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि आप डेटा को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट सेल पे जाए और चले जाए अलाइनमेंट में और यहां आप कर दे श्रिंक टू फिट। इससे क्या होगा कि जो वर्ड बड़ा है वो श्रिंक हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको नहीं करता, फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूं। अब सबसे पहले बात आती है, अगर हम पेज लेआउट में हम पेज की सेटिंग करेंगे तो पेज गाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले आता है थीम। थीम मतलब जैसे मोबाइल के थीम होते हैं ना, जैसे कि उसका वॉलपेपर, उसका पीछे का टेक्स्ट, फॉन्ट टेक्स्ट, साइज से जो चीज होती है, तो थीम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट थीम आपका ऑफिस होता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे थीम को यहाँ से चूज कर सकते, वो आपको ऑफिस का थीम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, डिफॉल्ट कलर, जैसे कि अभी जो है आप अगर देखें, मान लीजिए मैं कोई इलस्ट्रेशन जो है ऐड करता हूँ, कुछ शेप वगैरह यहाँ से मैंने ऐड किया, इसका डिफॉल्ट कलर ब्लू है ना। अगर मैं थीम चेंज कर दूंगा तो देखिए, मान लीजिए मैं इसको कर दिया तो डिफॉल्ट कलर ग्रीन होगा। अब मैं कुछ भी इंसर्ट करूंगा उसका थीम कलर बाय डिफॉल्ट ग्रीन होगा। उसके अलावा और भी ऐसी इफेक्ट वगैरह या फॉन्ट वगैरह, डिफॉल्ट फॉन्ट वगैरह या उसकी डिफॉल्ट कलर वगैरह आप चूज कर सकते हैं। थीम तो थीम डेटा के लिए नहीं होता, थीम आपका अपने के लिए, अपना सिस्टम के लिए होता है। थीम को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पहला आता है मार्जिन का। मार्जिन मतलब जब आप प्रिंट आउट आप निकालेंगे तो लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से,
कितना स्पेस को छोड़ेगा, कितना स्पेस को छोड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन आप देख रहे हैं वो नॉर्मल मार्जिन है, ये आपका कस्टम मार्जिन है। तब आप कैसे समझेंगे नॉर्मल कस्टम में क्या फर्क है, यहाँ देखिए ये टॉप से 0.1 है, बॉटम से 0.1 है, लेफ्ट से 2.5 है, राइट 2.5 है, और हीटर के लिए इसने 1 एंड फुटर के लिए भी आप इसने 0.1 ले रखा है। नॉर्मल में ये 1 हो जाता है 0.75, मतलब कि 25 घट जाता है पॉइंट। और इसका हीटर फुटर भी 3.0 है, इसका हीटर फुटर भी आप देख रहे हैं कम है, ये ज्यादा है, सॉरी हीटर ज्यादा है। तो इसमें से भी यहाँ पे है और इस तरह से भी आपको नीचे भी। तो नैरो मार्जिन जब करते हैं तो आपका कम स्पेस लेता है। नहीं कभी कभी क्या होता है कि हम लोग प्रिंट आउट जो है लेटर हेड पे करते हैं या फिर स्टाम्प पेपर पे करते हैं तो उसकी जो है मार्जिन कुछ और होती है। तो आप यहाँ से अपना मार्जिन चेक कर सकते हो क्योंकि स्टाम्प पेपर के ऊपर या लेटर हेड के ऊपर कितना इंच में आपका जो हेडर है, मतलब कि लेटर हेड है, तो यहाँ पे आप टॉप में डिसाइड कर दे उतना छोड़ देगा। तो इससे क्या होगा लेटर हेड के ऊपर प्रिंट आउट होने लेने में आसानी होगी। यहाँ से आप अपनी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन आता है कि आप जो है पेज जो है आप कैसे लगाए, मतलब कि फ्लिप में लगाएंगे, सॉरी लैंडस्केप में लगाएंगे या फिर आप लगाएंगे पोर्ट्रेट में, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज की साइज आप पेज क्यों तो लगा रहे हैं, लेटर लगा रहे हैं, ए फोर लगा रहे हैं। अब बोले ए फोर लेटर, लेटर में क्या दिक्कत है, देखिए लेटर का साइज है 8.5 × 11 और ए फोर का साइज है 8.25, इसकी चौड़ाई कम जाती है और विड्थ लंबाई बढ़ जाती है थोड़ा सा हल्का सा। देन एग्जीक्यूटिव पेपर है, लीगल पेपर है, इस तरह के जो पेपर की साइज या एमलप वगैरह है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है प्रिंट एरिया। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया को प्रिंट करना होता है, जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा मैं यहाँ डाल देता हूँ, मेरा मेरा एरिया है, इसके अलावा मैं कहीं और भी कुछ कुछ किया हो करते रहता हूँ, लेकिन जो मुझे एक्चुअली प्रिंट चाहिए होता है बस इतना एरिया को प्रिंट चाहिए होता है। तो इसलिए दो चीजें, एक तो कि एरिया को सिलेक्ट कर ले और प्रिंट करते समय आप यहाँ से सिलेक्शन चूज कर ले, प्रिंट सिलेक्शन। इससे क्या होगा कि सिलेक्टेड ही प्रिंट होगा, लेकिन बार बार सिलेक्शन करना नहीं चाहते आपको, हमेशा इतना ही एरिया प्रिंट करना होता है, तो बार बार सिलेक्शन करने की जगह आप क्या करें यहां से सेट प्रिंट एरिया कर लो। जी हाँ, सेट प्रिंट एरिया करने के बाद क्या है कि नहीं भी सिलेक्शन करेंगे तो डिफॉल्ट इतना ही एरिया प्रिंट में आएगा, तो ये आपका सेट प्रिंट एरिया होता है। आप क्लियर कर दें तो क्लियर हो जाता है। अब आता है पेज ब्रेक। अब जैसे कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले टॉप 5 को प्रिंट करो एक पेज पे, उसके बाद बाकी डेटा नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होते जाएगा, तो कैसे करें? तो टॉप 5 मुझे ये चाहिए, एक्चुअल रेवेन्यू चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट किया और होम में हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए, जेड टू ए कर देता हूँ। आपकी सुनील जी आपकी अगली टॉपिक शॉर्टिंग ही है, तो सॉर्ट करने से क्या हुआ कि हाईएस्ट ऊपर आ गया, तो हमने यहां से 1, 2, 3, 4, 5 5 को छोड़ा और इसको सिलेक्ट किया राइट क्लिक, और यहां से हमने कर दिया, नहीं यहां पर नहीं करना होगा, यहाँ पेज आउट है ना, पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक मैंने कर दिया। तो अब क्या होगा कि पहले ही पेज पे आप देखेंगे प्रिंट आउट में, तो पहले पेज पे आपका 5 आएगा, देन दूसरे पेज पे बाकी रेल जाएंगे। अगर उस पेज ब्रेक को आप हटाना चाहते हैं तो यहां से क्लियर पेज, रिमूव पेज ब्रेक या
रिसेट ऑल पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, रिमूव पेज ब्रेक हमने कर, तो अब पूरा आएगा। अब इसकी बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड की बात करता हूँ। देखिए बैकग्राउंड सिर्फ अपने विजुअल के लिए होता है, मैं बैकग्राउंड में कुछ ऐसा थीम डालना चाहता हूँ, तो मैंने मान लीजिए इसको लिया और यहाँ से इंसर्ट, बट ऐसे आपके दिखाने के लिए होता है, जब इसको प्रिंट में लेते हैं तो बैकग्राउंड आपका प्रिंट में नहीं आता, इसलिए इसको डिलीट ही कर दिए सही। अब आता है प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल में अच्छा इंपॉर्टेंट है, देखिए अब प्रिंट करते हैं तो दो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम है कि आपकी हेडिंग जो है वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे आ रही है, नेक्स्ट पेज पे आपका हेडिंग नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ मेरा हेडिंग हर पेज पे आए, तो प्रिंट टाइटल में सेट करना होगा। अब हेडिंग में दो चीजें हैं, रो एंड कॉलम, तो यहाँ पे आपका आता है रिपीटेड रो ऑन द टॉप, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉलम है तो कॉलम कर लीजिए। मान लीजिए आपका डेटा काफी बड़ा है, वो हॉरिजॉन्टली भी आपका प्रिंट हो रहा है, वर्टिकली आपका प्रिंट हो रहा है, तो उस केस में हम रो एंड कॉलम दोनों लेते हैं। तो फिलहाल हम कॉलम लेके ओके करते हैं, तो आप देखेंगे प्रिंट आउट में कि आपका पहले पेज पे आपका हेडिंग है, फिर आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके दूसरे पेज पे, हर पेज पे आपका हेडिंग फिक्स हो जाएगा, तो प्रिंट लेते समय इसका ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आपका आता है ग्रिड लाइन, जैसे मान लीजिए मैंने बॉर्डर नहीं लगाया हुआ है और बॉर्डर मुझे नहीं लगाना है क्योंकि बॉर्डर काफी बड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा कि प्रिंट लेते समय प्रिंट टाइटल में ही या यहाँ से भी कर सकते हैं, प्रिंट टाइटल में आपका ग्रिड लाइन होता है, इस पर क्लिक कर दें, या फिर आप यहाँ से भी ग्रिड लाइन और प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट क्लिक कर दे, क्या होगा कि अब जो प्रिंट होगा तो यहाँ पे देखें डॉटेड आ गया, जी हाँ प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, इस तरह का डॉटेड लाइन हो जाता है प्रिंट आइटम। दूसरा आता है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते, मान लीजिए आपके पास कलर प्रिंटर है और आप चाहते हैं कि मेरा डेटा ब्लैक एंड व्हाइट पे प्रिंट हो, कलर ना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं ड्राफ्ट क्वालिटी, थोड़ा सा लोग ड्राफ्ट क्वालिटी में कर सकते हो, रो एंड कॉलम की हेडिंग जो ए बी सी डी और 1 2 3 दिख रहा है आप इसको भी प्रिंट करना चाहते हैं, हालांकि आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। कमेंट मान लीजिए कि हर चीज पे कमेंट इंसर्ट होता है, आप कमेंट को भी प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर जो एरर है एरर को भी प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले एरर प्रिंट होगा, अदरवाइज ब्लैंक हो जाएगा या एन हो जाएगा, मतलब किसी तरह का एरर है तो उसको आप कन्वर्ट कर देगा ब्लैंक में। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं कि मेरे डेटा में बहुत सारे इस तरह के एरर्स हैं और डेटा भी, तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बताया था इसको ब्लैंक करने का सिस्टम, ये तो विजिबिलिटी के लिए मैंने बताया था। मान लीजिए प्रिंट आउट लेना है तो कस्टम फॉर्मेटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंट टाइटल पे आइए, मैंने इसको कर दिया ब्लैक। अब जैसे प्रिंट होगा तो प्रिंट होने के साथ देखिए ठीक है, एरर प्रिंट नहीं हो रहा, एरर क्या हो गया ब्लैंक हो, या ब्लैंक की जगह पे कुछ और करना चाहते यहाँ पे आप अगर डॉटेड कर दीजिए तो आपका क्या होगा कि जहां जहां एरर था वहां पे डॉट डबल डॉट दिख रहा है, ये चीज आप कर सकते हैं एरर के साथ। उसके बाद आता है पेज ऑर्डर, अब जैसे कि मेरा पेज ऑर्डर देख रहे हैं आप, अगर हम बात करें तो पेज ऑर्डर को देखने के लिए सबसे अच्छा है कि आप यहां यहाँ व्यू में एक होता है पेज ब्रेक रिव्यू,
यहाँ पे होता है, मैंने आपका एप्लीकेशन हटा दिया है। यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक रिव्यू में इसने दिखा दिया पेज नंबर कि ये आपका पेज नंबर 1 है और फिर पेज नंबर 2 है, फिर पेज नंबर 3 है। मतलब कि ये पहले कॉलम है, ऊपर से इस एक बार पूरा प्रिंट कर लेगा, देन अगला प्रिंट करेगा, क्योंकि इसने एक पेज में पूरा हेडिंग नहीं डाला हुआ। और कैसे डालेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए नहीं बताया ताकि आप पेज नंबर के सिस्टम को पढ़ सके। तो पहले इसने नंबरिंग दिया, यहाँ पे ये नंबर खत्म हो गया, देन यहाँ पे देखिए पेज 12, पेज 13, पेज 14 यहाँ पे दिखा रहा है। ये ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे जाके आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल में जैसे हमने कर दिया ओवर दैन, तब क्या होगा कि ए हमारा 1 हो जाएगा, ए हमारा 2 हो जाएगा। इस तरह 1 पेज नंबर, 2 पेज नंबर, देन 3, 4, इस तरह से होगा। तो आप अपना ऑर्डर अपने हिसाब से सेट कर सकते। मैं वापस इसको नॉर्मल व्यू में लाता हूँ, व्यू के अंदर नॉर्मल। वापस आता हूँ पेज व्यू में। प्रिंट टाइटल के बाद आता है स्केल टू फिट। जैसे कि मैंने भी बताया कि ए जो है यहाँ देखिए एक्चुअल तक ही आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि कॉलम को छोटा कर दे या फिर इसको रैप कर दे यहाँ से, क्योंकि तो यहाँ पर देखा है बहुत बड़ा है और ऊपर हेडिंग बड़ा है, तो मैंने इसको रैप कर दिया और कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर दिया। फिर भी आप देख रहे हैं कि एक कॉलम नहीं हो रहा है, कैसे पता चला? आप यहाँ देखिए डॉट 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 दिख रहा है ना, इसको पेज ब्रेक रिव्यू कहते हैं। तो प्रिंट में आप देखेंगे कि एक कॉलम आपका ईयर तक ही आया, आपका सेल्स पर्सन नहीं आया। तो इसकी स्केल टू फिट में कर सकते, आप इसको ये कर सकते हैं कि विड्थ ऑटोमेटिक की जगह पे मैंने कर दिया 1। तो इससे हुआ क्या, अब देखिए स्केल 87% आ गया, मतलब कि आपकी जो प्रिंट है वो थोड़ी सी छोटी हो गई। जी हाँ, उसकी टेक्स्ट जो है थोड़ा सा छोटा, सिर्फ प्रिंटिंग के लिए से छोटा किया, एक्चुअल जो टेक्स्ट दिख रहा है वही दिखेगा, बट प्रिंट करते समय वो 13% रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे दिखा आपको 87%। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपका विड्थ, आपका हाइट कितने पेजेस में हो और कितना हो। आप किचन सेट है यहाँ सेट कर, स्केल टू फिट होता है। उसके बाद बात आती है ग्रिड लाइन की, जो ग्रिड लाइन आपको दिख रहा है ना, इसको आप हटा सकते हैं, ला सकते हैं, और इस पे क्लिक कर दिया पे प्रिंट में भी आ रहा है। उसी तरह से आपका हिडन फुटर जो आपकी ABCD है, जो आपका 1, 2, 3 है, वो आपका इस पे क्लिक करने से आ जाएगा, वापस क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, प्रिंट करेंगे तो इसको प्रिंट में भी आपको दिखेगा। ये चीजें आप यहां से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके लिए हिडन एंड फुटर। तो हिडन फुटर कहां से मिलेगा, तो दो तरीका है। एक तो है कि आप व्यू में जाए और इसको आप कर दे पेज लेआउट, यहां दिख रहा है आपको पेज लेआउट व्यू, पेज गैर व्यू में यहाँ आपका हिडन फुटर का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करें ऐसे। लेकिन आप पेज गैर व्यू ना करके यहाँ पे एक मिनट मैं इसको नॉर्मल करता हूँ व्यू में, और यहाँ पेज लेआउट में आपका टाइटल था प्रिंट टाइटल, इसी में आप देख रहे थे हिडन एंड फुटर, यहाँ पे आप सेट कर। लेकिन यहाँ से अच्छा है यहाँ पे कस्टम हिडर कस्टम फुटर आपको दिख रहा है, कस्टम फुटर इधर भी करेंगे, यहाँ से आप क्लिक बना सकते हैं कि आपके लेफ्ट साइड में, आपके कस्टम में, आपके राइट सेक्शन में तीन पार्ट से डिवाइड किया हुआ है, क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ से अच्छा है कि मैं इसकी पेज लेआउट व्यू कर लूँ और यहाँ से कर लूँ।
जैसे मैं ऊपर हिडर पे क्लिक करूंगा, तीन सेक्शन आपको दिख रहा है। पहले सेक्शन में हम बात करते हैं ऊपर हिडर एंड फुटर का, एक नया फील्ड आपको खुल गया। इसमें सबसे पहले आता है पेज नंबर, कि पेजेस नंबर डाल सकते हैं इसमें कि क्या क्या, जैसे वन आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से पेज नंबर डाला जा सकता है। लेकिन कभी कभी होता है ना, वन ऑफ द 10, टोटल पेज आपके 10 है, तो यहाँ पे वन ऑफ द 10, टू ऑफ द 10, थ्री ऑफ द 10 होता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वन ऑफ यहाँ पे पेजेस। ये देखिए यहाँ पे आ गया वन ऑफ द 10 पेज ही है सर। ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद करेंट डेट, ये आपका सिस्टम जब जिस दिन प्रिंट करोगे उस दिन का डेट आपको दिखाएगा। टर्न टाइम, जिस समय प्रिंट करेंगे उस समय का दिखाएगा। तो आप डेट एंड टाइम दोनों डाल सकते हैं, आपने डेट डाल दिया स्पेस करके टाइम डाल दीजिए, तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों दिखेगा जब आप प्रिंट करेंगे। या तो आपका पाथ, कि आपका फाइल जहाँ स्टोर है उसका पाथ शो करेगा। उसके बाद फाइल नेम, सीक नेम या कोई लोगो वगैरह है, तो यहाँ से आप उन लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि लोगो क्या है। जैसे कि हमने यहाँ सर्च कर रहा हूँ ITT एक्सेल, लिंक पे मेरा सर्च नहीं आता, गूगल पे आ जाता है। लोगों को ले लिया, लेकिन वो पिक्चर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, वो पिक्चर की सेटिंग यहाँ पे नहीं कर सकते आप कि हमारा पिक्चर इस तरह सेट हो जाए, नहीं कर सकते। हाँ, पिक्चर फॉर्मेट में आ सकते हैं, फॉर्मेट पिक्चर में, तो यहाँ से साइज वगैरह कम कर सकते हैं। 12 है तो मैं यहाँ पे कर दिया, स्केल हाइट 8% होना चाहिए और रो के रेटियो वगैरह यहाँ से है। पिक्चर लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, क्रॉप करना है क्रॉप कर सकते हैं, किसी को टेक्स्ट करना है टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑल टेक्स्ट। यहाँ से आप पिक्चर की फॉर्मेट कर सकते और इसमें मैं यहाँ पे कलर ऑटोमेटिक है, इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है, कंटेस्ट बढ़ाना है, इसलिए कर देते हैं। और इसको ये नहीं कर सकते थोड़ा सा अलग हो जाए, साइड हो जाए, ये चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती, नहीं। ओके, तो ये हमारा पिक्चर का था। अब गो टू फुटर, अब फुटर में आप देना चाहते हैं तो फुटर में भी वही चीजें है जो ऊपर आपको दिख रहा है, अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आता है डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज को डिफरेंट कर देगा। यहाँ पे और इवन पेजेस, लोगो जो है आपका मैंने कि आएगा और इवन, एक पे आएगा एक पे नहीं आएगा, आया और इवन हो गया। जो फुटर आप डालना चाहते हो, फुटर और हिडर का ऑप्शन होता है कि आप अलग अलग कर सकते हो। स्केल डॉक्यूमेंट, अलाइन द पेज मार्जिन, अलाइन विद पेज मार्जिन के साथ अलाइन हो जाएगा, वो सेटिंग आप यहाँ कर सकते। तो मैं वापस नॉर्मल व्यू पे आता हूँ। तो अब आप जैसे कि मैंने बताया आपको कि पेज लेआउट में ये जो साइकिल से भी सारी सेटिंग आप कर सकते हैं, इसमें आपका एक होता है पेज की सेटिंग, पेज की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, पूरा एक ही जगह से हो जाए आ जाएगा आपको यहाँ पे। पेज का कौन सा पेज है, क्वालिटी क्या है, या पेज नंबर ऑटो आना है, ये चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। मार्जिन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, हिडर फुटर यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, और शीट पेज यहाँ ले सकते हैं। तो प्रिंट करते समय ये चीज़ आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जब हमने प्रिंट किया, तो यहाँ सबसे पहले तो कॉपी, कॉपी में कितने नंबर ऑफ पेजेस आपको प्रिंट करने, तो मान लीजिए मुझे 5 नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट करना। अब आता है आपका प्रिंटर कौन सा है, आप अपने हिसाब से प्रिंटर ले सकते हैं।
जैसे मेरा अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट लीजिए, अगर आपको इसको पीडीएफ में प्रिंट करना है तो यहाँ से आप एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट ले सकते हो, पीडीएफ में प्रिंट कर। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका सीट, कि आप एक्टिव सीट को प्रिंट करना चाहते हैं या एंटायर वर्कबुक को, या फिर आप प्रिंट करना चाहते हैं सिलेक्टेड एरिया को और इग्नोर प्रिंट एरिया। जैसे मैं आपको एक प्रिंट एरिया बताया था कि मुझे इतना ही एरिया प्रिंट करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे उस एरिया को नहीं पूरे सीट को प्रिंट करना है। मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम में मुझे प्रिंट करना था इतने एरिया, तो हमने इसको सेट कर दिया, बराबर प्रिंट करना होता है, हमने इसको प्रिंट एरिया सेट कर दिया, तो मेरा प्रिंट इतना ही एरिया आ रहा है। लेकिन सडनली मुझे जरूरत पड़ गई पूरे एंटायर वर्क सीट को प्रिंट करने, बट प्रॉब्लम क्या है कि फिर वापस एरिया को हटाऊंगा फिर लगाऊंगा तो काफी टाइम मेरा कंज्यूम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर दोबारा मुझे अभी सिर्फ एक टाइम के लिए मुझे पूरा सीट को प्रिंट करना है, फिर कल से फिर तो उतना ही एरिया प्रिंट करना है। तो उस केस में यहाँ आप इग्नोर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे तो इग्नोर कर देंगे। अब आता है प्रिंट वन साइड या बोथ साइड। बोथ साइड में क्या, इधर से या इधर से, मतलब कि आप इस तरह से पेज किताब की तरह पलटोगे या फिर आप इस तरह से जो पैड की तरह होता है इस तरह से उठाकर पैड की तरह से पीछे करते हैं उस तरह से करना है, वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए अगर बोथ साइड सेट करते हो तो आपका प्रिंटर कंफर्टेबल होना चाहिए बोथ साइड प्रिंटिंग के लिए। अब आपका प्रिंटर बोथ साइड प्रिंटिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको प्रिंट करेंगे तो दिक्कत होगा, तो बोथ साइड प्रिंटिंग में इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद था खुले पेज। अब जैसे मान लीजिए कि ये 10 पेज का है, हम 5 कॉपी निकाल रहे हैं, अब खुले पेज जैसे क्या होगा, पहले 1 से लेकर 10 तक को प्रिंट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 10 करेगा, फिर 1 से 10, फिर 1 से 10, ऐसे 5 सेट बना देगा। अगर आप अनकोलेटेड करते हो तो क्या करेगा, पहले एक नंबर पेज की 5 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे नंबर पेज की 5 कॉपी, देन तीसरे नंबर पेज की 5 कॉपी, फिर चौथे नंबर पेज की 5 कॉपी, ऐसे निकाल रहे। तो बाद में कुलेज अगर आपको मान लो सेट बनाने हैं तो खुद से कुलेज करना पड़ेगा। अनकुलेटेड का यूज हम लोग करते हैं जो हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं तो कोई पेज मिसिंग ना, बहुत सारे पेजेस की बहुत सारे कॉपी बनाने, जैसे मान लीजिए ना कि मेरे पास 1000 पेजेस का एक सेट है, उसके मुझे मान लीजिए 100 कॉपी बनाना है, तो अगर हम कोलेक्टेड कर देंगे तो दिक्कत क्या होगा कि बीच में से कोई पेज प्रिंट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें हम पेजेस को एक एक पेजेस को कॉपी निकालते हैं, फिर उसके बाद में उसको चेक करके अलाइन करते हैं, इससे क्या होता है पेज चेक भी हो जाता है और सही ऑर्डर में भी हो जाता है। उसके बाद ये तो वही है जो आपने बाहर देखा था, इसमें कोई खास चीज नहीं। अब आते आते हैं प्रिंटर की प्रॉपर्टी। आप प्रिंटर की प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका प्रिंट की क्वालिटी हो जाएगा, प्रिंटर सोर्स हो जाएगा, प्लेन पेपर है या फिर आपके बैकग्राउंड पेपर, बैकग्राउंड में कलर पेपर है तो कलर पेपर डालने से आप कलर दे दीजिए कि कलर का पेपर है तो ऑटोमेटिक जो है प्रिंटिंग का कलर चेंज कर देता है। मान लीजिए ना आपका पेपर आपका व्हाइट है तो व्हाइट के लिए वो प्रिंट नहीं करेगा, व्हाइट के लिए उतना एरिया छोड़ देगा, कलर्ड है तो उसको व्हाइट फिक्स करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका इफेक्ट होता है, एक्चुअल साइज करना है या प्रिंट ऑन डॉक्यूमेंट लेटर पे करना है, पेपर की साइज हो गई, उसका क्या नॉर्मल साइज है, साइज को बढ़ाना घटाना है, वाटरमार्क। अब देखिए वाटरमार्क क्या है कि पहले वर्ड पे वाटरमार्क होता है, मतलब कि आप कोई डॉक्यूमेंट फिट कर रहे होता है कॉन्फिडेंशियल या कॉपी या कॉपीराइट होता है ना ड्राफ्ट, ये चीज आप यहाँ से दिखाई कर सकते हो, उसमें कॉन्फिडेंशियल है, कॉपी है, ड्राफ्ट है, सैंपल है, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो।
लेकिन इसमें आप खुद के नहीं बना सकते, वो खुद के बनाना है तो उसके लिए जैसे होता है कोई कंपनी का नाम देना है, तो उस केस में आपको क्या होगा कि वो वर्ड यूज करना पड़ेगा। और ये आपने अगर प्रिंटर की सेटिंग कर दी तो ध्यान रखिएगा कि हर तरह के प्रिंट में दिखाएगा। अगर आप किसी एक डॉक्यूमेंट के लिए चाहते हैं तो करने के बाद फिर वापस उसको नन कर दे, वरना फिर से हर पेज में दिखाएगा, क्योंकि हम जो सेटिंग चेंज कर रहे हैं वो प्रिंटर की सेटिंग चेंज हो रही है, ना कि एक्सेल फाइल की सेटिंग। यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉन्फिडेंस है तो पहले ही पेज में करना है तो पहले पेज में कर दे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एडिट आ जाए। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से सिलेक्शन में आपको सिखाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने हिसाब से, तो एडिट पे क्लिक किया, नन के जगह पे न्यू किया और न्यू पे अनटाइटल के जगह पे मैंने डाल दिया आईपीटी एक्सल स्कूल। कलर कैसा होना चाहिए, फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ऐसा चीज हो सकता है, यहाँ पे सेट कर दिया आपने एंड ओके। अब देखिए आप यहाँ देखो आईपीटी एक्सेल स्कूल कॉर्नर में यहाँ दिखा दिया, फर्स्ट पेज पे है या हटा दूंगा तो हर पेज पे दिखेगा। ये आपके प्रिंटर की, फिर यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा क्योंकि ये सेटिंग जो है हमारा प्रिंटर का सेटिंग, जब हम प्रिंट करेंगे तभी आपको दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। मैं तो वापस नन कर देता हूँ। फिनिशिंग में कुछ खास इसमें नहीं है, प्रिंट बोथ साइड करना है या नहीं करना है, पोर्ट्रेट एंड स्टेप वगैरह है ये बाहर था, ये तो अलग पैकेज है इसका। तो यहाँ से प्रिंटर की सेटिंग, तो मेरे हिसाब से हमने प्रिंट की सेटिंग पूरी कर दी। अब आप लोगों के पास किसी तरह के डाउट या फिर पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते समय कोई डाउट होगी तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर तो आप लोगों के पास है।